सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर के बारे में, जो कि है कालकाजी मंदिर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मां काली ने असुरों का वध करने के लिए ये रूप धारण किया था, और कालकाजी देवी काली का ही दूसरा नाम है। दिल्ली के दक्षिण में विराजमान कालकाजी मंदिर देश के प्राचीनतम सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। इसके अलावा इस मंदिर को जयंती पीठ और मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से भी जानते हैं। मौजूदा मंदिर को दोस्तों बाबा बालकनाथ द्वारा स्थापित माना जाता है। इस मंदिर के लिए मान्यता है कि यहाँ पर आद्य शक्ति माता भगवती माँ काली के रूप में प्रकट हुई थी। इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार स्वर्ग के देवताओं ने असुरों के द्वारा स्थायी जाने पर माँ भगवती का पूजन शुरू किया था। देवताओं से प्रसन्न होकर माँ ने कौशिकी देवी को अवतरित किया, जिन्होंने अनेकों असुरों का संहार किया, लेकिन रक्तबीज नाम के असुर का वो वध नहीं कर पाई। जिसके बाद माँ भगवती ने अपनी भ्रकुटी से माँ काली को प्रकट किया और रक्तबीज का वध किया। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि महाभारत काल में युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए माँ काली की आराधना की थी, और फिर बाद में बाबा बालकनाथ ने इस पर्वत पर तपस्या की थी और उन्होंने माता का साक्षात्कार भी हुआ था, जिसके बाद फिर उन्होंने इस मंदिर को यहाँ स्थापित किया। भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिण हिस्से में माता कालकाजी के मंदिर में मुख्य 12 द्वार हैं। ये 12 द्वार 12 महीनों के प्रतीक माने जाते हैं। मंदिर के हर द्वार के पास माता के अलग अलग भक्तिमय चित्रों को बनाया गया है। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दिन सभी ग्रह माँ कालिका के अधीन होते हैं, इसलिए ग्रहण के दिन जब सभी मंदिर बंद हो जाते हैं तो माता काली का यह खास मंदिर हमेशा खुला होता है। सामान्य दिनों में इस मंदिर में वेद पुराण और तंत्र विद्या के साथ पूजा की जाती है। इसके अलावा मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है, और नवरात्रि में इस मंदिर में भव्य मेला भी लगाया जाता है। तो आज की वीडियो में भक्तों फिलहाल इतना ही। ये थी दिल्ली में मौजूद माँ कालिका के बारे में एक खास वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो और इसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।